आप सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं जो आपने मुझे अपने से जुड़ने का एक न्योता दिया। मेरा नाम लक्ष्मण यादव है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन कॉलेज में पढ़ाता हूं। और आज जिस विषय पर मैं आपसे बातचीत करने के लिए जुड़ा हूं वो विषय है ओबीसी की समस्याएं, चुनौतियां और उसका निदान। आपका संगठन ओबीसी समाज को लेकर के, ओबीसी को लेकर के बहुत सक्रिय है और मैं आपके टीम के सभी साथियों को फिर से जय भीम, जय मंडल और जय संविधान बोलना चाहता हूँ। साथियों, आज हम लोग जिस मसले पर बात करने के लिए आए हैं, एक बार की लग सकता है अगर आप ओबीसी समाज से ताल्लुक रखते हैं तो आपको लगेगा कि यह बहुत जरूरी मसला है और अलग से ओबीसी समाज पर बात होनी चाहिए। दूसरी तरफ अगर आप ओबीसी समाज से ताल्लुक नहीं रखते हैं, आप किसी और पृष्ठभूमि से आते हैं, तो आपको एक बार भी लगेगा कि क्यों ना हम बहुजन पहचान पर बात करें, हम दलित, पिछड़ा, आदिवासी सबको एकजुट करके बहुजन आइडेंटिटी पर बात करें। और अगर आप संघी हिंदुत्व के नरेशन में सोचेंगे तो आपको लगेगा कि ओबीसी पहचान पर अलग से बात करना हिंदू अस्मिता को भीतर से तोड़ना है, यानी सब हिंदू हैं तो हिंदुओं की पहचान जब एक जैसी है तो फिर अलग से ओबीसी की पहचान क्यों बनाई गई और अलग से ओबीसी की समस्याओं पर बात करना कहाँ तक उचित है। मेरा मानना है कि इन सारे सवालों को जोड़ करके जैसे ही हम जाति की संरचना पर बात करेंगे हमें पहला जवाब मिल जाएगा। भारतीय समाज में जाति क्या है इसको लेकर के अनगिनत पन्ने लिखे गए हैं, इन पर सेमिनार हुए हैं, इनको देश ही नहीं विदेश के शिक्षण संस्थानों में पढ़ा पढ़ाया जाता है। और पढ़ने पढ़ाने और सेमिनारों से आगे बढ़कर इस देश की लाखों आवाम सैकड़ों सालों से जिस सिस्टम को झेल रही है वह जाति प्रथा है और उसके लिए अलग से किसी को बताने की जरूरत नहीं कि जाति भारत में कैसे काम करती है। दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देशों को छोड़ दें तो पश्चिमी यूरोप, अमेरिका और तमाम बड़े देशों में जो दुनिया पर राज करते हैं या और भी अलग तरह की मुश्किलों से जूझ रहे हैं, उन देशों में कहीं भी जाति प्रथा जैसी कोई समस्या नहीं है। जब मैं यह कह रहा हूं कि विकसित देशों के पास जाति को के नाम पर कोई समस्या नहीं है तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन देशों में कोई समस्या नहीं। हमारे देश में जैसे जाति के नाम पर भेदभाव किया गया, डिस्क्रिमिनेशन किया गया, किसी और देश में नस्ल के आधार पर, किसी और देश में रंग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, बोली भाषा के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। गरीबी अमीरी के आधार पर भी दुनिया भर में लोग आपस में बटे हुए हैं, लेकिन भारत में जाति किस तरह से काम करती है और कैसे इसका पूरा मामला बनता है, इसको समझने के लिए हम ये समझें कि भारत में चाहे वो इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन हो यानी आर्थिक विषमता, विषमता कहते हैं किसी के पास ज्यादा है किसी के पास कम है या नहीं है, यानी धन संपत्ति पैसा रुपया जगह जमीन और संसाधन घर परिवार इन सब की चीजें किसी के पास बहुत ज्यादा है और किसी के पास नहीं है, यह आर्थिक विषमता है, आर्थिक भेदभाव है। और दुनिया भर में मार्क्सिस्ट थ्योरी से लेकर के तमाम देशों में इसको लेकर के लिखा गया कि गरीबी सबसे बड़ी खाई बनाती है। दूसरा एक डिस्क्रिमिनेशन चलता है लैंगिक आधार पर, यानी पुरुषों के पास कुछ ज्यादा हक हकूक है, ज्यादा मौके हैं, पुरुष इस सोसाइटी में ज्यादा खुल करके घूम सकता है, रह सकता है, पुरुष के पास उत्तराधिकार है यानी विरासत मिलती है पिता से पुरुष को और महिलाओं को इन सब चीजों से वंचित रखा जाता है। जगह जमीन घर परिवार तक जो है महिलाओं के नाम बहुत कम होती हैं, सब पुरुषों के नाम।
इसीलिए पुरुषों को बचपन से लेकर के बड़े होने तक सबसे ज्यादा मौके, सबसे ज्यादा आजादी पुरुषों को मिल रही है। ये दुनिया भर में इसका डिस्क्रिमिनेशन रहा और ये एक जैसा डिस्क्रिमिनेशन रहा। दुनिया भर की महिलाएं सड़कों पर उतर करके अपने हकों के लिए लड़ती हैं। तीसरा जो डिस्क्रिमिनेशन है भारत जैसे देश में वह है जाति। जैसे ही हम जाति पर बात करना शुरू करेंगे तो हमें यह लगेगा कि जाति को क्यों बनाया गया और जाति कैसे बनी है, क्या 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 डिवीजन है जाति को लेकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शब्दों में कहें तो ये ग्रेडेड इनइक्वालिटी यानी स्तरीकृत क्रमबद्ध विभाजन है। मार्क्सिस्ट थ्योरी में कहें तो हम ये कहते हैं कि कुछ लोग जिनके पास सत्ता संसाधन था उन्होंने जन्म के आधार पर पेशे तय किए, यानी अगर आप ब्राह्मण हैं तो आप शिक्षा दान दक्षिणा पूजा हवन इन सब में आपका पेशा होगा, ये पुश्तैनी पेशा होगा। अगर आप क्षत्रिय हैं तो आप राजा बनेंगे, आप राजकाज करेंगे। अगर आप वैश्य हैं तो आप व्यापार का काम करेंगे और अगर आप इन सब में कुछ नहीं है तो आप शूद्र होंगे। यानी शूद्र वे लोग हैं जो न शिक्षा ज्ञान दान दक्षिणा हवन यज्ञ करा सकते हैं, जिनको पढ़ने का हक मिला है, न जो विश्वविद्यालय में कुलपति है पुरोहित है कुछ भी नहीं। क्षत्रिय वे लोग हैं जो राजा बनते हैं, जो राजकाज कर सकते हैं। और तीसरा वे लोग कौन है जो वैश्य है जो व्यापार कर सकते हैं। इन तीनों पेशों को द्विज कहा गया, इनको जनेऊ संस्कार होता था, इनको सब हुकूक मिला हुआ था। जो शूद्र थे वो उत्पादन का काम करते थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, सावित्री बाई फूले और दक्षिण भारत में जाएंगे तो ई वी रामास्वामी नायकर पेरियार, इन लोगों ने साफ साफ कहा कि जितनी ओबीसी जातियां हैं ये शूद्रों में आती हैं, क्योंकि जो दलित हैं वो तो दलित और अस्पृश्य थे, वो तो वर्ण व्यवस्था में ही नहीं आते थे, वो वर्ण से बाहर, इसीलिए उनको इन्हें इन्हें अवर्ण कह दिया गया। तो ओबीसी जातियां जिन्हें आज ओबीसी कह रहे हैं वो शूद्र जातियों में है। और आपको पढ़ना चाहिए, मैं तमाम किताबें हैं, मैं चाहूंगा कि उनमें से कुछ किताबों का जिक्र आपके साथ जरूर किया जाए। और जिसमें मैं सबसे महत्वपूर्ण किताब आपके सामने रखूंगा वो है मंडल कमीशन। इस तरह से जाति व्यवस्था जब काम करती है तो जो कृषक और कामगार जातियां, कुम्हार लोहार बढ़ई और जो है नाई मौर्य पटेल, खेती करने वाली जातियां, पशुपालन करने वाली जातियां, खेत के काम करने वाली, हस्तशिल्प कुटीर उद्योग करने वाली, छोटे छोटे पुश्तैनी पेशे, और ये सब धर्मों में आए। यही ओबीसी जब धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम हुए तो वो जुलाहा कुरैशी और ढांची बने जो ओबीसी जातियों में आते। तो ओबीसी वे जातियां हैं जो कृषक और कामगार जातियां, श्रमशील जातियां जो श्रम के उत्पादन में लगी हुई थी, खेती के श्रम में, पशुपालन के श्रम में, हस्तशिल्प कुटीर उद्योग के श्रम में ओबीसी जातियां काम करती हैं। लेकिन इन जातियों को द्विज नहीं माना गया क्योंकि ये ओबीसी जातियां ब्राह्मण में नहीं आती, न क्षत्रिय में आती और न वैश्य में आती, ये कृषक कामगार जातियां थी। फिर इनके लिए क्या किया गया, ये सछूत थी यानी अछूत नहीं थी। दलित जातियों के साथ तो एक चीज थी कि उन सारी जातियों को अछूत कर दिया गया। दलित वे लोग हैं जो गांव में सबके साथ रह नहीं सकते, मुख्य राजमार्ग से चल नहीं सकते, गले में मटका हांडी बांधना होगा, पीछे झाड़ू लेके चलना होगा, सब दलित समुदाय, इनको छू करके भी अपराध हो। लेकिन ओबीसी वे जातियां थी जिनको अगर आप अछूत बना देते तो आप लोहार बढ़ई कुर्मी नाई धोबी इन सबसे रोज का काम आपका था, इसलिए आप अछूत नहीं बनाए। लेकिन द्विज भी नहीं बनाए, यानी ये जो सवर्ण जातियां जिनमें माना जाता है उनमें ओबीसी नहीं आता। अब इसको कैसे बांटा जाए, तो ओबीसी जातियों के साथ जो हमारे आइकॉन हुए उन्होंने शुरू से लिखा, जिसमें सबसे प्रमुख नाम है ज्योतिबा फूले का और आपके महाराष्ट्र के क्रांति ज्योति ज्योतिबा फूले, और उनके ऊपर जो पूरा का पूरा लिखा गया वो है गुलामगिरी। और ज्योतिबा फूले ने दो शब्द बोला, हर ओबीसी को गुलामगिरी पढ़नी चाहिए, हर ओबीसी को पेरियार रामास्वामी नायकर
जो ई वी रामास्वामी नायकर पेरियार है दक्षिण भारत में तमिलनाडु में उनका जन्म हुआ, वो ओबीसी जाति से आते थे। इन लोगों ने यह साफ साफ कहा कि जो कट्टर हिंदुत्व है द्विज है वो ओबीसी नहीं है, ओबीसी कृषक कामगार जातियां हैं और ये जाति के नाम पर शोषण हुआ इनका। इनको पढ़ने का हक उस तरह से नहीं मिला, इनको संपत्ति का हक उस तरह से नहीं मिला, इनका राज करने का हक नहीं मिला। जहां जहां इन्होंने जमीनें और संपत्ति जुटाई है, राज किया है, जहां जहां इन्होंने पढ़ाई की है, लड़ करके अपनी जगह बनाई। इसलिए ओबीसी जातियों को सबसे पहले ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार और ज्योतिबा फूले सावित्रीबाई फूले को पढ़ना चाहिए और गुलाम गिरी को पढ़ना चाहिए। अब दूसरी बात, भारत आजाद होता है और आजाद होने के बाद जब एससी और एसटी को रिजर्वेशन मिलता है तो उस समय ईवी रामास्वामी पेरियार के आंदोलन के तहत दक्षिण भारत में लंबा आंदोलन होता है और पहला संविधान संशोधन 1952 में होता है। और पहले संविधान संशोधन में दो चीजें जुड़ती हैं, आर्टिकल 15(4), आर्टिकल 16(4) और आर्टिकल 340। और इन तीनों के जरिए ये कहा जाता है कि जो जातियां दलित और आदिवासी नहीं है, जो जातियां सवर्ण तबके में नहीं आती हैं, उन ओबीसी जातियों को सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर जो वंचित रह गई हैं, उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। फिर से समझिए, अंबेडकर, फूले, पेरियार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ज्योतिबा फूले को अपना गुरु मानते हैं। तीन लोगों को अपना गुरु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने माना, गौतम बुद्ध को, कबीर को और ज्योतिबा फूले, क्रांति ज्योति ज्योतिराव फूले। तो ज्योतिराव फूले ओबीसी जातियों के थे लेकिन शूद्र अतिशूद्र सबकी बात करते थे, 85% बहुजन की बात करते थे, लेकिन वो ओबीसी जातियों को भी बहुत महत्वपूर्ण ढंग से समझाते हैं। इसी तरह से पेरियार भी। तो जब आर्टिकल 15(4), 16(4) और आर्टिकल 340 बना तो इस पे कमीशन बनाया जाने लगा जिसमें उन ओबीसी जातियों को चिन्हित किया जाएगा आयोग बना करके जो पिछड़ी रह गई हैं सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, और उनको आरक्षण दिया जाए। पहला कमीशन बनता है पहले ही दशक में काका कालेलकर कमीशन, नेहरू के समय बनता है और काका कालेलकर कमीशन 52 से बन के 55 में रिपोर्ट आती है। और काका कालेलकर कमीशन में यह कहा जाता है कि जाति के आधार पर आप ओबीसी को नहीं पहचान पाएंगे, इसलिए आरक्षण जाति के आधार पर नहीं दिया जा सकता। काका कालेलकर कमीशन एक वाहियात कमीशन था जिसकी रिपोर्ट लागू नहीं। उसके बाद 1978 जब मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की सरकार बनती है तो मंडल कमीशन का गठन होता है। और मंडल कमीशन में 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होती है, जब हिंदी में आ गई, मराठी में आ गई, हर भाषा में आ गई। और मंडल कमीशन ने यह 40 रिकमेंडेशन दी जो लागू हुआ 1990 अगस्त 1990 में। 6 अगस्त को नोटिफिकेशन आता है, 13 अगस्त को उसका गजट नोटिफिकेशन आता है, 15 अगस्त 1990 के भाषण में वीपी सिंह कहते हैं कि इस देश में हमने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कर दी। अब मैं ओबीसी जातियों को जो बात कहना चाहता हूं वो महत्वपूर्ण बात यह, मंडल कमीशन के चैप्टर 13 में 13वें अध्याय में मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू। और आज भी ओबीसी समाज को यह ध्यान रखना होगा कि जब इस मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई तो रिपोर्ट में यह बताया गया कि मंडल कमीशन यह कहता है कि 3743 जातियां ऐसी हैं, 3743 इतनी जातियां ऐसी हैं जो अपर कास्ट में नहीं आती, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में नहीं आती, यानी वो सवर्ण हिंदू नहीं है। ये 3743 जातियां ऐसी हैं जो दलितों और आदिवासियों में नहीं आती, यानी वे अन्य पिछड़ा वर्ग, अदर बैकवर्ड क्लास, इसलिए इसको पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल टर्मिनोलॉजी। तो 3743 इतनी जातियां इसमें शामिल की गई और जिनकी पॉपुलेशन भारत की कुल पॉपुलेशन का 52%, यानी जिसे हम ओबीसी कह रहे हैं, इनकी ओवरऑल पॉपुलेशन, इंडिया की ओवरऑल पॉपुलेशन की 52% है। तो मंडल कमीशन के चैप्टर 13 के रिकमेंडेशन पॉइंट 1.2 में ये कहा गया है और इसमें बहुत डिटेल में किया गया। सबसे पहली बात मंडल कमीशन के लिए, मंडल कमीशन में बीपी मंडल जो बिहार के मुख्यमंत्री थे और उनके रिकमेंडेशन से बना,
तो बीपी मंडल ने कहा कि आप इन जातियों के पिछड़ेपन को नापने का जाति ही पैमाना हो सकता है, यानी जाति के नाम पर ही अदर बैकवर्ड क्लास को सत्ता संसाधन और हिस्सेदारी, यानी लैंड नहीं है इनके पास, इनके पास रिसोर्सेस नहीं है, इनके पास वेल्थ नहीं है, इनके पास लैंड होल्डिंग का अलग अलग फॉर्मेट नहीं है, ये सारी चीजें जब बनती हैं तो इसको एक्सप्लेन करके जब देखा जाए तो यह बात आती है कि जाति के नाम पर इन जातियों के साथ यानी ओबीसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया। फिर से क्लियर समझिएगा दोस्तों, द डिस्क्रिमिनेशन पॉइंट इज कास्ट, यानी ओबीसी, कई बार ओबीसी इस देश में यह समझता है कि हम दलितों के जैसे, हमारी स्थिति नहीं है, दलितों को तो जाति के नाम पर अछूत बना दिया गया, दलित कुछ कर नहीं पाए, हमारे पास तो लैंड है, हमारे पास तो रिसोर्स है, हम रूलिंग क्लास रहे। ओबीसी जातियां, कुछ कुछ जातियां जो पावरफुल है, आपके महाराष्ट्र में मराठा जातियां हैं, तमाम मराठा में शिवाजी ने जिस तरह का लड़ाई लड़ी गैर ब्राह्मणवाद के आवाज बन करके और ब्राह्मणवाद के सामने, वीर शिवाजी के सामने जब यह बात आई तो ब्राह्मणों ने उनका तिलक करने से इनकार कर दिया, राज तिलक करने से, कि ये ब्राह्मण नहीं है। तो इसलिए शिवाजी एक बड़ी ताकत है और शिवाजी को ज्योतिराव फूले, क्रांतिवादी ज्योतिराव फूले ने अपना एक आइकॉन माना। तो हमारी लड़ाई किस बात की है ओबीसी तबके की, कि हम कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, लेकिन जो अपर कास्ट हिंदू है, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है, ये हमें हिंदू नहीं मानता, ये हमें अपर कास्ट नहीं मानता। इसलिए हम ज्योतिराव फूले के टर्मिनोलॉजी में कहें तो हम शूद्र हैं। तो मंडल कमीशन ने 3743 जातियों को पहचाना और ये कहा कि इन सारी जातियों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ वो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, इसलिए रिजर्वेशन ओबीसी को कास्ट के बेस पर मिलना चाहिए। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन पढ़िए, 40 रिकमेंडेशन है, 40, और इसमें से 2 रिकमेंडेशन अप्लाई हुई है और केवल 2 रिकमेंडेशन में वो कहते हैं कि हमें एजुकेशन में और हमें नौकरियों में रिजर्वेशन मिलेगा। केवल एजुकेशन में आपको रिजर्वेशन मिला है और वो भी सरकारी शिक्षा में, पब्लिक एजुकेशन में और पब्लिक सेक्टर के नौकरी में। 38 रिकमेंडेशन अभी भी फुलफिल नहीं हुई है, मैं पॉइंट वाइज गिना रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा ओबीसी साथियों, यही हमारी ओबीसी की सबसे बड़ी समस्या है कि हमने सबसे पहला गलती ये की कि हमने अपने अपने कल्चरल आइकॉन को पढ़ाया नहीं। दलित आज अपने कल्चरल आइकॉन को पढ़ता है, अपने घर में पढ़ाता है, अपने परिवार को पढ़ाता है और अपने समाज में पे बैक टू सोसाइटी के तहत उसको इंप्लीमेंट करता है। डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर घर घर दलितों के पास है, दलित में एक यूनिटी है। ओबीसी के घर में जाएंगे तो पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर जो ओबीसी थे उनकी तस्वीर नहीं मिलेगी, उनकी लिटरेचर नहीं मिलेगी। क्रांतिबाई ज्योतिराव फूले का लिटरेचर गुलामगिरी आपको नहीं मिलेगी, सावित्रीबाई फूले का लिटरेचर नहीं मिलेगा। उत्तर भारत में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, रामस्वरूप वर्मा, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, पेरियार ललई सिंह यादव और तमाम लोग जो ओबीसी आईकॉन थे और ओबीसी के लिटरेचर पर काम किया है, हमने न खुद पढ़ा ओबीसी आईकॉन के बारे में न अपने आने वाली पीढ़ियों को पढ़ाया। इसलिए हमारे ओबीसी सबसे ज्यादा संघी हिंदुत्व के को कंधे पर हिंदू धर्म को ढो रहे, वही हिंदू धर्म को ढो रहे हैं जहां वो नौकरी में जाने पर ओबीसी को इंटरव्यू में नंबर नहीं देता। आज ओबीसी का एक भी प्रोफेसर नहीं है, मैं खुद आरटीआई लगाया हूं और ये मेरी आरटीआई अभी 8 जुलाई 2020 को आई है और इसमें मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में ओबीसी प्रोफेसर के डिटेल मांगे, ये पूरे डिटेल आए हैं और एक भी प्रोफेसर ओबीसी का सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं है। एसोसिएट प्रोफेसर 2% है, असिस्टेंट प्रोफेसर 12% है। अगर ओबीसी हिंदू होता, अपर कास्ट के जैसा होता तो ओबीसी को क्यों वाइस चांसलर नहीं बनाया। ओबीसी की पॉपुलेशन आज की डेट में मोर देन 60% है। मंडल कमीशन जब लागू हुआ तो मंडल कमीशन ने कहा कि ओबीसी को रिजर्वेशन 52% पॉपुलेशन पर 52% रिजर्वेशन हो गया,
लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट की अपर लिमिट तय की गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन में मैक्सिमम 50% रिजर्वेशन हो सकता है, तो हम ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दे रहे हैं और मंडल कमीशन ने कहा कि 27% रिजर्वेशन। लेकिन जैसे ही ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन आया तो अब रिजर्वेशन की अपर लिमिट एक्सीड करके 60% हो गई है ना, तो ओबीसी को पूरे देश में आंदोलन खड़ा कर देना चाहिए कि ओबीसी की जितनी पॉपुलेशन है उतना रिजर्वेशन दो अकॉर्डिंग टू मंडल कमीशन रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशन। ओबीसी को रिजर्वेशन आज की डेट में 60% अगर उनकी पॉपुलेशन है तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट कहती है ओबीसी को 60% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, और मंडल कमीशन का आर्टिकल 13.22 कहता है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। आज प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं है, अगर प्रमोशन में रिजर्वेशन होता तो ओबीसी जीरो प्रोफेसर नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट के जज जीरो ओबीसी नहीं होते। ब्यूरोक्रेसी में कैबिनेट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी रैंक में 4% ओबीसी इक्वल नहीं होते। जिन ओबीसी की पॉपुलेशन 60% है वो कैबिनेट सेक्रेटरी में 4% है, क्यों, ये देश किसका है भाई? जिन ओबीसी की पॉपुलेशन 60% है ओवरऑल हायर एजुकेशन में वो केवल 8% है, किसने हक मारा है आपका? जिन ओबीसी की पॉपुलेशन 60% है वो जुडिशरी में 8% से भी कम, 6% है। जिन ओबीसी की पॉपुलेशन 60% है वो लैंड होल्डिंग में कितने परसेंट है, 12% है। लैंड होल्डिंग पॉपुलेशन के रेशियो में उनके पास रिसोर्स कितना है, 12% है। ओबीसी की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है और सबसे कम इनके पास रिसोर्स है, सबसे कम नौकरी है, सबसे कम एजुकेशन है, तो फिर ये ओबीसी हिंदू किस बात के बने भाई? और ओबीसी के साथ फिर ये भेदभाव किसने किया? और ओबीसी के साथ जो ये भेदभाव है वो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है कि नहीं, यानी कास्ट को देख करके कुर्मी कोयरी लोधी कुशवाहा और तमाम मौर्या पटेल यादव तमाम जो जातियां हैं मराठा जातियां हैं इनके साथ कास्ट के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन किया गया कि नहीं किया, इसलिए मंडल कमीशन कहता है प्रमोशन में रिजर्वेशन चाहिए। तीसरा, मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन लागू होना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में आज ओबीसी कहीं प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन नहीं मांग कर पा रहा है, इसलिए इस देश में अगर सबसे ज्यादा कास्ट के बेस पर किसी का नुकसान हुआ है तो वो है ओबीसी। लेकिन ओबीसी को यह पता ही नहीं है कि उनके साथ कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन किसने किया, इसलिए ओबीसी की आज सबसे बड़ी समस्या उसका कल्चरल एजुकेशन न होना है। ओबीसी अपने आइकॉन को नहीं पढ़ता, फुले अंबेडकर पेरियार को नहीं मानता, ओबीसी हिंदू बना बैठा है। इसलिए मैं सवाल पूछना चाहता हूं, ये प्रोफेसर बनने से रोकने वाले लोग, ब्यूरोक्रेसी जुडिशरी मीडिया कारपोरेट घरानों में जाने से रोकने वाले लोग कौन लोग थे? ये वही हिंदू थे जो अपर कास्ट हिंदू है, तो अपर कास्ट हिंदू ने ओबीसी को हिंदू क्यों नहीं माना भाई? मंदिर में कितने पुरोहित ओबीसी हैं? मंदिर का पैसा किसके पास जाता है? तो ना आपके प्रोफेसर है, ना आपके जज है, ना आपके उद्योगपति। आप टॉप 10 कारपोरेट घरानों की लिस्ट बनाइए, टॉप 100 बना लीजिए, कितने ओबीसी उसमें है? ये ओबीसी की डिस्क्रिमिनेशन की दिक्कत है। लेकिन राम मंदिर आंदोलन में सबसे आगे आगे कूद करके ओबीसी हिंदू धर्म बचाने का ठेका लेगा। मैं कहता हूं कि आपको मेरी बात बुरी लग सकती है, लेकिन ये मेरी आवाज है, क्योंकि मैं ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले को मानता हूं और मैंने गुलामगिरी पढ़ी है, और ज्योतिराव फुले ने मुझे समझाया कि हम मानसिक तौर पर गुलाम हैं, हिंदू धर्म के गुलाम हैं, और ज्योतिराव फुले मेरे आइकॉन है, मेरे आइकॉन है जगदेव प्रसाद कुशवाहा जो कहते थे 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो जब 90 भाग हमारा है तो इस 90 भाग पर कौन कब्जा किए बैठा है? क्यों, कोई गैर मुसलमान तो वैसे ही मारा हुआ है, ईसाई संख्या में कम है, सिख जितनी पॉपुलेशन है उतना है उनके पास है, तो फिर ये अपर कास्ट हिंदुओं ने ही कब्जा किया है ना, सवर्ण हिंदुओं ने, तो धन धरती और राजपाट में ओबीसी का हक कौन मारा? 15% पॉपुलेशन है एससी की और उनको 15% रिजर्वेशन, 7.5 पॉपुलेशन है एसटी की और उनको 7.5 रिजर्वेशन, 60% पॉपुलेशन है ओबीसी को, तो 60% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन आने के बाद क्यों नहीं हमको पूरा रिजर्वेशन मिले भाई? हमारी मंडल कमीशन की रिपोर्ट कहती है प्रमोशन में रिजर्वेशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोले जाएंगे, हर जिले में
सरकारी हॉस्टल बनाए जाएंगे जहां ओबीसी बच्चे बैठ करके पढ़ाई करेंगे, हर जिले में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे, हर जिले में वित्तीय निगम बनाए जाएंगे जो ओबीसी को बिजनेस करने में प्रमोट करेंगे, सेंट्रल और स्टेट ओबीसी को फंडिंग करेगा कि ओबीसी बिजनेस करे, जहां जहां ओबीसी माइनर उद्योग कर सकता है, छोटे उद्योग बनाएगा तो उस उद्योग को फंडिंग दी जाएगी, उसके लिए सहकारी समितियां बनाई जाएगी। मंडल कमीशन की रिपोर्ट में आपको तो कुछ मिला ही नहीं, क्योंकि आपने मंडल कमीशन की रिपोर्ट भी ओबीसी घरों में नहीं पहुंचाई। ओबीसी घरों के बच्चों को पता ही नहीं है कि काका कलेलकर कमेटी क्या थी और मंडल कमीशन क्या है, मंडल कमीशन की कितनी रिकमेंडेशन बनी और कितनी रिकमेंडेशन लागू होगी। ओबीसी बच्चों को पता ही नहीं है, ओबीसी घरों में डिबेट ही नहीं होती है कि 60% पॉपुलेशन ओबीसी की, रिजर्वेशन 27% है। क्यों? इसलिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट को घर घर पढ़ाइए। मैं आपको किताबें दिखाता हूं, एक मिनट का वक्त लूंगा, आप ये देखिए, मैं अंबेडकर की किताब को आप नहीं पढ़ेंगे तो आप क्या पढ़ेंगे? आपको पढ़ना चाहिए ज्योतिबा फूले, सावित्री बाई फूले, ईवी रामास्वामी पेरियार। मैं आपको कुछ किताबें दिखाता हूं और उससे फिर आप अपनी चीजों को देखिए। पेरियार की किताब मेरे पास पूरा लाइब्रेरी में भरा है और हमारा काम यह है, हम प्रोफेसर हैं, अगर हम पेरियार को नहीं पढ़ेंगे तो हमारी ओबीसी जातियां जान ही नहीं पाएंगे कि ईवी रामास्वामी पेरियार कौन था, पेरियार ललित सिंह यादव कौन थे, और उसके बाद हमारे साथ नहीं पता चलेगा कि हमारे पास गौतम बुद्ध की विरासत क्या है, हमारे पास संत रैदास की विरासत क्या है, कर्पूरी ठाकुर कौन थे जिन्होंने यह बात लागू की थी कि कैसे इस देश में डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जिन्होंने कहा था 100 में 90 शोषित है, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, ये इनका नारा था, 100 का शासन 90 पर नहीं, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, बहुजन नायक, आपको पढ़ना चाहिए किताबें। और मैं फिर से ये कहता हूं कि ये मेरे पास रामस्वरूप वर्मा, ये उत्तर भारत के थे और इन्होंने कहा कि ओबीसी जातियों को पूरा इनको हक मिले, आपने रामस्वरूप वर्मा का नाम नहीं सुना, ये उनका पूरा किताब है, आपको अपने घरों में पढ़नी चाहिए। मैं इसलिए इन किताबों को दिखा रहा हूं साथियों कि आप इन किताबों को खोजें और पढ़ें। आपको राम मनोहर लोहिया की किताब पढ़नी चाहिए, भारत विभाजन के गुनाहगार और हिंदू बनाम हिंदू, राम मनोहर लोहिया की किताब आपको पढ़नी चाहिए, और तब आप सोचिए कि आपके साथ ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया गया, क्योंकि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, तो आपका निदान क्या है। मैं अभी यह निदान कह रहा हूं कि ओबीसी लोग, आप संघी फासिस्ट हिंदुत्व के चक्कर में मत पड़िए, आपको बार बार यह समझाया जाएगा कि मुसलमान आपका दुश्मन है और मुसलमानों के खिलाफ दंगे में सबसे आगे कौन लोग मारे जा रहे हैं, दंगे में सबसे आगे ओबीसी खड़ा हो जा रहा है, कुछ ओबीसी, मैं सबको नहीं कर रहा हूं, ओबीसी में एक तबका है जो कल्चरली बहुत साउंड हुआ है, वो अपनी सोसाइटी के लिए काम कर रहा है, आपका ऑर्गेनाइजेशन है, आप कल्चरली ओबीसी को जागरूक करने के लिए इतना बड़ा फोरम चला रहे हैं, आप भी तो चाहते हैं कि सोसाइटी बदले, इसलिए मैं आपको सैल्यूट कर रहा हूं, आपके जैसे साथियों को सैल्यूट कर रहा हूं, लेकिन हम ये सवाल करेंगे कि हमें जोखिम उठाना होगा जब गुलामगिरी लिखने वाला हमारा आइकॉन ज्योतिराव फूले, सावित्री बाई फूले, जिन्होंने एजुकेशन को एम्पावर्ड करने के लिए कहा, विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना धन गया, एक अविद्या ने जाने कितने अन्याय कर दिए, हमने गुलामगिरी को अपने बच्चों को पढ़ाया नहीं, हमने ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार को, रामस्वरूप वर्मा को, जगदेव कुशवाहा को, राम मनोहर लोहिया को, पेरियार ललित सिंह यादव को, और उसके बाद ज्योतिराव फूले, सावित्री बाई फूले को घर घर पढ़ाइए, यही आपका निदान है। यानी ओबीसी में कल्चरलाइजेशन नहीं हुआ है, हम कल्चरली और मेंटली हिंदुत्व के गुलाम है, तो हम अपने हक के लिए नहीं लड़ पा रहे, क्योंकि हम जब हिंदू बन जाते हैं तो हम ये मानते ही नहीं कि हमारे साथ जो डिस्क्रिमिनेशन किया गया है वो कास्ट बेस्ड है। इसलिए लिटरेचर को अपने घरों में रखिए, स्टडी सर्किल चलाइए, छोटे छोटे जगहों पर स्टडी सर्किल चलाइए, बच्चों को प्रमोट करिए पढ़ने के लिए, उसमें आर्टिकल लिखवाइए, उनसे कंपटीशन करवाइए, डिबेटिंग कराइए, सब कुछ कराइए, तब जाकर के मामला बनेगा। पहली बात, कल्चरली ओबीसी को साउंड करना होगा, लिटरेचर पढ़ना होगा और कल्चर को जानना होगा। सेकेंड निदान, दूसरा निदान, आपको मंडल कमीशन की रिपोर्ट घर घर पढ़नी होगी,
और फिर अपने तबके को जागरूक करना होगा कि अगर हमारी पॉपुलेशन 60% है तो हमारे को रिजर्वेशन 60% मिलना चाहिए। अब ओबीसी को जिसकी जितनी संख्या भारी उसके उतनी हिस्सेदारी वाली डिबेट करना कि अगर आपने ईडब्ल्यूएस 15% पॉपुलेशन है, सवर्ण तबके की 15% ना, 10% ईडब्ल्यूएस के नाम पर उनको रिजर्वेशन मिल गया, हमारी डिमांड होनी चाहिए कि 5% रिजर्वेशन और दे दीजिए और 15% अपर कास्ट को 15% रिजर्वेशन दे दीजिए, 15% एससी को 15% रिजर्वेशन मिला हुआ, 7.5 को 7.5 एसटी मिला हुआ, तो जो बाकी बचा ओबीसी का रिजर्वेशन वह पूरा का पूरा ओबीसी को 100% रिजर्वेशन दीजिए। अकॉर्डिंग टू मंडल कमीशन रिपोर्ट क्लॉज नंबर 13.22 पूरा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ओबीसी जातियों को अब अपने पूरे रिप्रेजेंटेशन के लिए फाइट करनी होगी, अपने लोगों को समझाना होगा। आज आपके क्रीमी लेयर लाया जा रहा है, आपको पता है क्रीमी लेयर का मतलब क्या होता है? आपकी सोसाइटी में 8 लाख से ऊपर पाने वाले लोगों को कह दिया जाएगा आप क्रीमी लेयर में आ गए, अब आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो जब वो क्रीमी लेयर में चला गया तो वो ओबीसी के साथ अपने को जोड़ेगा या अपर कास्ट के साथ जोड़ेगा? फिर वो ओबीसी तबके के लिए काम क्यों करेगा जब उसके बेटे बेटियों को और उसको ओबीसी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, उसको कोई फायदा नहीं मिलेगा? हमने फूले अंबेडकर पेरियार को तो पढ़ाया नहीं कि वो कल्चरली अपनी सोसाइटी के लिए सब कुछ करने, पे बैक टू सोसाइटी के माइंडसेट तक जा पाए? हमारा माइंडसेट बहुत स्वार्थी है ओबीसी का। तो क्रीमी लेयर के नाम पर जो पावरफुल तबका हमारे बीच में आ रहा है उसको हम अपनी सोसाइटी से बाहर करवा दे रहे हैं। और अब क्रिमी लेयर में 8 लाख से बढ़ा करके बीपी शर्मा कमीशन के नाम पर मोदी सरकार 12 लाख कर रही है क्रिमी लेयर की अपर लिमिट, लेकिन उसमें पर्सनल इंडिविजुअल की इनकम और आपके लैंड और आपका फैमिली इनकम सब इंक्लूड कर दिया जाए, जैसे ईडब्ल्यूएस में। जैसे ही ओबीसी में सारा चीज इंक्लूड हो जाएगा, ओबीसी के हाथ से रिजर्वेशन खत्म, यानी बीपी शर्मा कमीशन क्रीमी लेयर आने के बाद ओबीसी के रिजर्वेशन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाए। अभी भी ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया जाता है और यूआर को 50% दे दिया गया, तो आपका रिजर्वेशन तो वैसे भी बहुत कम हो गया। इसलिए आपको बीपी शर्मा कमीशन, रोज आपका हक मारा जा रहा है इस देश में। अगर सबसे ज्यादा अन्याय किसी के साथ हो रहा है तो वो ओबीसी के साथ हो रहा है, और सबसे ज्यादा सोई हुई कोई कौम है, सबसे ज्यादा निकम्मी कोई कौम है तो वो ओबीसी है। मैं ओबीसी हूं और फिर मैं ये बात कह रहा हूं, मेरी सोसाइटी के लोगों को पता ही नहीं कि उनके साथ अन्याय क्या हो रहा है। ना उन्होंने फूले अंबेडकर पेरियार को पढ़ा, ना मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी, और ना वो क्रीमी लेयर के बीपी शर्मा के रिजर्वेशन कॉन्सेप्ट को आ रहा है। नीट का एग्जाम मेंशन होता है जिसमें मेडिकल और कोटे में रिजर्वेशन दिया जाता है, और आपको पता है इस समय नीट में ओबीसी रिजर्वेशन जीरो कर दिया है मोदी सरकार ने। देश में कहीं मूवमेंट खड़ा हुआ? आपका सारा रिजर्वेशन छीन लिया गया और आपको कोई मूवमेंट ही नहीं खड़ा हो रहा है। तो ये है निदान। और अब मैं आपसे बस कंक्लूडिंग रिमार्क मेरा ये है कि हमें ओबीसी को, जिसके साथ इस देश में सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और ये डिस्क्रिमिनेशन कास्ट बेस्ड है, हमको, चूंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, मोर देन आधा से अधिक आबादी ओबीसी के इस देश में, इस देश का हर दूसरा व्यक्ति ओबीसी है, और सबसे ज्यादा अन्याय फिर ओबीसी के साथ हो रहा है। ना वो प्रोफेसर है, ना वो वकील है, ना वो जज है, ना वो ब्यूरोक्रेट है, ना वो कैबिनेट सेक्रेटरी है, ना वो उद्योगपति है, ना उनके स्कूल है, ना प्रिंसिपल है, ना वाइस चांसलर है, ना वो जो है कुछ, कहां है फिर ओबीसी? वो हिंदू मुस्लिम दंगा करा रहे, उनको समझाया जा रहा है हिंदू धर्म खतरे में। अरे भाई कौन सा हिंदू धर्म? हमारे साथ यह अन्याय तो ये अपर कास्ट हिंदुओं ने किया, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, तो हम क्यों हिंदू बने? हम ओबीसी बनेंगे? हम कुर्मी कोरी लोहार, हमारे पुश्तैनी पेशे बर्बाद कर दिए गए, तो जो पेशा हमारा खेती किसानी मजदूरी था, हमारा पेशा हाथ के उद्योग थे, ये सब बाजार में बर्बाद कर दिया गया और सारा प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, तो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसी बन रही कि ओबीसी के साथ भेदभाव। ये है पॉइंट। लिटरेचर को पढ़िए, घर घर अपनी आइडेंटिटी को ले जाइए और यूनिटी बनाइए, और यूनिटी बना के जिस दिन इस देश के ओबीसी सड़क पर आकर के कहेंगे कि हमारे रिजर्वेशन के साथ छेड़खानी नहीं,
और ईडब्ल्यूएस आने के बाद मूवमेंट कराइए पूरे देश में, अपने बच्चों को फूले अंबेडकर पेरियार को पढ़ा करके तैयार करिए और सड़कों पर उतर के कहिए कि हमारी जितनी पॉपुलेशन है उतना हमें राइट चाहिए, उतना हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए। हमारे कुलपति क्यों नहीं है, हमारे प्रोफेसर क्यों नहीं है, हमारे जज क्यों नहीं है, हमारे ब्यूरोक्रेट क्यों नहीं है, ओबीसी को यह सवाल पूछना हो। खतरे में हिंदू धर्म नहीं है, खतरे में ओबीसी है और सबसे ज्यादा अन्याय ओबीसी के साथ हो रहा है। तो कंक्लूडिंग रिमार्क मेरा यह है, ओबीसी समाज जागरूक हो, आप मुझे बुलाइए, मैं आपके बीच में आऊंगा और मैं आपके सारे लिटरेचर, एक एक लिटरेचर पर घंटों में बोल सकता हूं, मैं पढ़ूं और पढ़ाऊं। आप मेरे यहां आइए, हम लोग महाराष्ट्र और यूपी को जोड़े, हम उसके बाद पूरे भारत को जोड़े और हम असली भारतवासी हैं, हमारा देश है, हमारे पुरखों ने इस देश को बनाया है। लेकिन ये कौन लोग थे जो हमारा सारा हक छीन ले गए, हमारे पास लैंड नहीं है, हमारे पास जॉब नहीं है, हमारे पास बिजनेस नहीं है, यानी जितनी पॉपुलेशन है उतना तो होना चाहिए। तो आप पढ़िए, पढ़ाइए, टीम बनाइए, जोड़िए एक दूसरे को और हम लोग मिल करके इस देश को बनाएंगे।